नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। कोरोना के चलते लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों में फंसे लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है, क्योंकि काम धंधा ठप होने की वजह से अब उन्हें भूख ज़्यादा परेशान कर रही है। वो जैसे बंद पड़ रहा है अपने मूल गाँव की तरफ लौटने लगे हैं। कुछ पैदल जा रहे हैं कुछ साधनों से, लेकिन इसे सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है, जिस वजह से रास्ते में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो रास्ते में सारी दुकानें बंद होने की वजह से खाने पीने को उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी बात प्रदेश बॉर्डर पर जाकर वे फंस जा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन भी उन्हें राज्यों में घुसने की इजाज़त नहीं दे रहा है। प्रवासी राजस्थानियों की समस्या को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार एवं राजस्थान के मारवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले हरि सिंह राजपुरोहित ने PIL दाखिल की है, जिसकी सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार को जवाब तलब किया है। उन्होंने PIL में मांग की है कि सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को जल्दी से उनके जिला मुख्यालयों तक सुरक्षित पहुंचाने के साथ ही जो लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं उनके लिए राज्य सरकारें खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम करें। इस PIL पर मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने किन परिस्थितियों में इस जनहित याचिका को दाखिल किया, तमाम बातें हरि सिंह जी ने सुरभि सलोनी के साथ की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मतलब संडे तक 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन की। हाँ, सबको घर पहुंचाया जाए। हाँ, तो मेरी मांग थी कि उन सबको ट्रेन बस या उनके निजी वाहन है किसी भी रूट से उनको घर पहुंचाया जाए, ठीक है ना। हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सरकार। ये बताइए कि ये आपने मुंबई को लेके किया है, पूरे देश के प्रवासियों को लेके आपने PIL? पूरे देश। हाँ, पूरे देश में 19 लाख लोग हैं प्रवासी राजस्थान। देखो संडे तक 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अपन उनको ही वो मानेंगे ना आंकड़ा। अच्छा अच्छा। आज जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा आज जैसे ज्यादा हुआ तो आज बढ़ गया आंकड़ा, ठीक है ना। लेकिन जो इच्छुक है प्रवासी आने के लिए उसको सरकार लाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है कि आपने कौन से कोर्ट में किया है और कब किया है? राजस्थान हाईकोर्ट। अच्छा, तो मतलब राजस्थान हाईकोर्ट को, राजस्थान हाईकोर्ट में मैंने रविवार दोपहर को ये PIL ऑनलाइन दाखिल की थी। हाँ, जिसको सोमवार को जिस कोर्ट ने स्वीकार किया इसको। अच्छा, और आज सुबह सुनवाई हुई, अभी मंगलवार को सुबह अभी 8:30 बजे सुनवाई हुई। हाँ, सुनवाई में क्या हुआ ये थोड़ा सा बताएं। तो सुनवाई में माननीय न्यायालय ने ये बोला कि 2 दिन के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान सरकार अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखे और उनको लाने के लिए क्या आपकी रणनीति, क्या पॉलिसी है उसको डिक्लेयर करें। अच्छा, मतलब कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता, ठीक है, लोग भूखे मर रहे हैं और सरकार उसमें परमिशन पूछ रही है, ये बहुत गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए इसमें सबसे कहाँ संकट कहाँ आ रहा है, आपको क्या लग रहा है इसको लेके कहाँ संकट आ रहा है? कि सरकार की एक तो पॉलिसी डिक्लेयर नहीं है एकदम, ठीक है ना। हाँ, किसी को परमिशन मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है, और बॉर्डर पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत परेशान कर रही है, ठीक है ना। अच्छा। एक मजदूर है उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मांग रही है, परमिशन मांग रही है, वो कहाँ से कहाँ लाए कलेक्टर से परमिशन? एक लेबर मुंबई में कलेक्टर से कैसे परमिशन लेगा, आप बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपनी ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि MLA तक को बात करने के लिए कलेक्टर को सर सर बोलना पड़ता है, लेबर कैसे परमिशन लेगा कलेक्टर से, मेरे को बताओ ना, ले नहीं सकता। हाँ, ये तो बात सही है। तो ये मतलब इसको इसको आपने बॉर्डर पे, हाँ, व्यवस्था करे बॉर्डर पे भाई, सरकार बॉर्डर पे व्यवस्था करे ना। हाँ, नहीं वो पेशेंट है या नहीं, यह भी पता चला है कि बॉर्डर पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हाँ, फंसे है ना, हजारों लोग फंसे हुए, सारे बॉर्डर पे फंसे हुए, MP बॉर्डर पे है, राजस्थान, राजस्थान की जो 3 बॉर्डर है, मेवाड़ बॉर्डर है, ये मारवाड़ वाली सीधे रानीवाड़ा बॉर्डर है, अटके हुए लोग हैं। तो दूसरी बात ये है कि इसमें आपको किसको, खाली राज्य सरकार का ही मामला है, केंद्र सरकार को भी आप किसी तरह से जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैंने तो ये राजस्थान सरकार को लेकर दाखिल किया, राजस्थान सरकार राजस्थानियों को लेकर क्या पॉलिसी है। बिल्कुल। और 7 दिन के अंदर मैंने सब लोगों को 7 दिन तक उनके उनके घर पहुंचाने की अपील की है।
दूसरा मैंने उस पीएल में ये भी मांग की है कि जो प्रवासी है वो आउट ऑफ स्टेट में है अभी फंसे हुए जी, तो उन संबंधित राज्य सरकारों से बात करके उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि प्रवासियों को खाद्य सुरक्षा नियम के तहत वहाँ की सरकारें राशन के तहत उनको राशन नहीं देती है क्योंकि वो प्रवासी है, ठीक है ना। तो उनको फ्री वाला गेहूं नहीं मिलता, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित सरकार से बात करके उनके खाने पीना, ऐसा मतलब मेरी ये मांग है कि कोई प्रवासी भूख से ना मरे कम से कम इस लॉकडाउन में, लाया जाए उनको ट्रेनों से लाया जाए, उनको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट तक उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जाए, सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। हाँ, ट्रेनों के माध्यम से लाया जाए, क्योंकि इतने प्रवासी 19 लाख वो बसों से नहीं आ सकते, ठीक है ना। उनको ट्रेनों से स्पेशल ट्रेनों से ला के लाया जाए, और जो खुद अपने व्हीकल से आना चाहे उनको परमिशन दी जाए, भले मोटरसाइकिल हो भले पैदल आना चाहे, तो उसको परमिशन वाला रोड में रखा जाए, उसको चेकिंग किया जाए, ठीक है ना। कोरोना के तहत उसके जो मापदंड है उसको चेकिंग किया, मेडिकल टीम जांच करे ना कि इसमें है या नहीं है, तो उसको भेजो हॉस्पिटल, नहीं है तो क्वारंटाइन करो। बिल्कुल। और यह भी चीज है भाई, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे, हर नागरिक को सुरक्षित अपने जगह पे पहुंचे। मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो आगे चल के लोग भूख से मरना भी शुरू हो गया है, भूख ऐसी मरना सब राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है ना। राजस्थान की जीडीपी है, उसके अंदर 50% जो कंट्रीब्यूशन प्रवासियों का है, आज जो कुछ भी दिख रहा है उनकी वजह से डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट का क्या है। आज उनके साथ तकलीफ आई तो सरकार की जिम्मेदारी है उनके साथ खड़ी हो, सरकार की जिम्मेदारी है बिल्कुल, जबकि सरकार ने हर तरह का पल्ला झाड़ लिया है। मैं इसमें देखता हूँ, मैं स्टडी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट सेंटर के खिलाफ भी करूंगा।